2010 में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया था। तब महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स चैंपियन बनी थी। उसने पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीती थी। वहीं सचिन तेंदुलकर के नेतृत्व वाली मुंबई इंडियंस को 22 रन से हार का मुंह देखना पड़ा था। इसी मैच के दौरान ऐसा मौका भी आया था जब बल्लेबाजी करते हुए सचिन तेंदुलकर अपना आपा खो बैठे थे। वो इतना गुस्सा हो गए थे कि अपना बल्ला मैदान पर ही पटक दिया था। दरअसल मैच के दौरान सीएसके ने बल्लेबाजी शुरू सुरेश रैना की 37 गेंदों में नाबाद 57 रन की पारी की मदद से 20 ओवरों में 5 विकेट पर 168 रन का स्कोर बनाया गया। बाद में चेन्नई सुपर किंग्स ने सामूहिक गेंदबाजी प्रयास के दम पर मुंबई को 20 ओवरों में 9 विकेट पर 146 रन ही बनाने दिए, जिसके परिणाम स्वरूप एक तरफा मामला हो गया। उस मैच में रविचंद्रन अश्विन ने चेन्नई के आक्रमण की शुरुआत की। उनका पहला ओवर मेडन रहा। अगले ओवर में डग बोलिंगर ने शिखर धवन को आउट किया। इसके बाद सचिन तेंदुलकर का साथ देने अभिषेक नायर आए। दोनों ने मिलकर 11 ओवर में स्कोर को 67 रन तक पहुंचा दिया। दोनों 66 रन जोड़ चुके थे और बड़ी साझेदारी की ओर बढ़ रहे थे। इसी बीच धोनी ने सुरेश रैना को 12वां ओवर फेंकने को दिया। रैना की पहली गेंद पर नायर कोई रन नहीं बना पाए। अगली गेंद उन्होंने स्क्वायर लेग की ओर खेली और रन के लिए दौड़ पड़े। हालांकि दूसरे छोर से सचिन ने नायर को लौटने को कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और धोनी उन्हें रन आउट कर चुके थे। नायर के आउट होने पर सचिन ने अपना आपा खो दिया। उन्होंने गुस्से में अपना बैट जमीन पर पटक दिया। शायद सचिन को लगा कि उनका आईपीएल ट्रॉफी जीतने का सपना चकनाचूर हो गया, और ऐसा ही हुआ भी। नायर के आउट होने के वक्त मुंबई का स्कोर 67 रन था और 100 रन तक उनकी आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। तेंदुलकर ने उस मैच में 45 गेंद में 48 रन बनाए थे। नायर 26 गेंद में 27 रन बनाकर आउट हुए। इन दोनों के अलावा अंबाती राइडू और किरण पोलाडी दहाई का आंकड़ा छुपाए। इस मैच में धोनी के ट्रम्प कार्ड रहे थे शादाब जगाती ने 3 ओवर में 26 रन देकर 2 विकेट झटके थे। इसके साथ ही चेन्नई पहली बार आईपीएल चैंपियन बनने में सफल रहे और सचिन तेंदुलकर का आईपीएल ट्रॉफी जीतने का सपना चकनाचूर हो गया। ऐसे में आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए।